तो आज हम बात करने वाले न्यूरोकाइन नेक्स कैप्सूल के बारे में। तो इसका उपयोग किया जाता है नर्व से जुड़ी समस्या में। तो इसे मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। 10 कैप्सूल का इसका कॉस्ट 129 रुपीज। तो न्यूरोकाइन नेक्स कैप्सूल आपको किन समस्या में उपयोग करना चाहिए या किन समस्या में आपको न्यूरोलॉजिस्ट इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, जब इसका उपयोग करेंगे तो क्या बेनिफिट्स मिलने वाले और क्या साइड इफेक्ट देखने को आने वाले, तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो न्यूरोकाइन नेक्स कैप्सूल का उपयोग तभी करना है जब आपको ये सारी समस्या है, जैसे कि आपको न्यूरो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जिसमें अंदर आपका जो पाँव का जो नसें हैं प्रॉपर से वर्क नहीं कर रहा, सूजी रहती हैं और आपको वहाँ पे कुछ फील वगैरह नहीं हो रहा, तो या आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी है जैसे कि आपको बार बार टॉयलेट में वगैरह जाते हैं, या आपको किडनी से रिलेटेड समस्या है तब, या आपको जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है जैसे कि आपकी आँखों में आँखों के साइड में जैसे कि आपको लालपन हो जा रहा है, आप ब्लड जमा हो जा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे नशे के जो ब्लड फ्लो के जैसा ज़्यादा रेड रेड दिख रही है, तब इसका उपयोग किया जाता है। या आपको अल्कोहलिक न्यूरोपैथी है जैसे कि आप ज़्यादा अल्कोहलिक हैं आप, तो जब आपको अल्जीमर हो जाता है जैसे कि आपका बॉडी वगैरह सेक करने लगता है, प्रॉपर से वर्क नहीं करता, तब इसका उपयोग किया जाता है। तो इन सारे कंडीशन में आपको इसका उपयोग करना है, वंस डेली आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर इसका उपयोग तभी करना है जब आपको डॉक्टर इसकी सलाह दे, अगर आपको खुद से करते हैं तो हो सकता है बहुत सारे कॉमन साइड इफेक्ट देखने को आ सकते हैं, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको जो कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो सकता है, और आपके जो कि इंसुलिन का मात्रा बढ़ सकता है जिससे आपका ग्लूकोज लेवल कम हो सकता है, ये सारी समस्या आ सकती है। तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, जैसे बायोटिन ये इम्प्रूव करता है आपके ग्लूकोज लेवल को मेटाबॉलिज्म में, और इंसुलिन को इंस्टिमुलेट करता है ताकि नेचुरल वे से आपका ग्लूकोज डाइजेस्ट हो, और इसके अंदर क्रोमियम ऐड किया गया था रिड्यूस करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। तो इसलिए आपको इसको डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, अपने आप से नहीं लेना है। तो जिस तरह से डॉक्टर आपके कंडीशन को देख के, जैसे आप डायबिटिक टाइप 2 में हैं, जिस तरह से डॉक्टर आपको कंडीशन को देख के आपको एडवाइज करता है, आप उसे ज़रूर फॉलो करें। वंस डेली बोलता है टैबलेट तो वही से फॉलो करें, जैसे मिनिमम इसका तब तक इसका 3 से 4 महीने तक आपको यूज़ करना रहता है, और जिस तरह से डॉक्टर आपको एडवाइज करता है उसे ज़रूर फॉलो करें। तो अगर आप वीडियो और चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।